आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव तुर्तीपुर इल्हा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 22 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। 6500 वोट और 18,000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती रईसा बेगम ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की काफी मदद ग्राम प्रधान द्वारा की गई है। ग्राम प्रधान रईसा बेगम और सचिव इरफान हुसैन के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। अपने कार्यकाल में इन्होंने गाँव को किस तरह से सजाया है और क्या क्या समस्याएं अभी भी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पुत्र की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के तुर्तीपुर इला ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, किस तरह से लॉकडाउन के चलते यहां लोगों को सहयोग दिया गया है, मदद दी गई है और इसके अलावा क्या कोशिशें अब आने वाले समय में समय रहते इनकी जारी रहेंगी, इस सब के बारे में जानकारी लेकर प्रधान जी से हम आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान पुत्र से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि प्रधान तो आपकी माता जी हैं, यहाँ पर उनके कार्यकाल को लगभग पूरे 5 साल कंप्लीट होने को हैं, बीतने को हैं, जितना समय अभी तक बीत चुका है कार्यकाल का, उसमें क्या क्या विकास कार्य गांव में हुए हैं? हमने सड़क निर्माण कराए, हमने बड़े बड़े रास्ते कराए जिन लोगों पे पूरे पूरे गांवों को और गांवों को भी दिक्कत थी निकलने की, हमने वो रास्ते कराए जिनके एक एक रास्ते में कम से कम 10-10 गलियाँ होती थी। हमने जिस पर पूरे चिराग और सारे वो निकलना है 30-30, 35-35 हज़ार एक रास्ते पर हमने टाइल लगाई। जलालपुर मोहम्मदाबाद में हमने एक काम इतना बड़ा कराया कि जिसमें करीब करीब विधायक निधि या सांसद निधि से ही हो पाता हो, जो हमने अपनी प्रधानी से कराया, ग्राम निधि से। तो मतलब ये कह सकते हैं कि गांव को पूरी तरह से आपने जो है पक्का करवा दिया। 25,000 टाइल हमने गांव के बाहर लगाई, खास गांव से स्कूल के सामने, जो लोग पानी भर जाता था लोग निकल नहीं पाते थे। और एक रास्ता जलालपुर मोहम्मदाबाद में जो जाटवों का इलाका रास्ता जिसमें जाटव लोग रहते हैं, उस रास्ते की स्थिति अभी गांव में कोई रास्ता कच्चा बाकी है या सभी पूरे पक्के हो गए? जलालपुर मोहम्मदाबाद से कच्चे रास्ते सभी करा दिए हैं और एक दो रास्ते और बाकी बचे हैं, उनपे भी काम चल रहा है। आवास मिले हैं? आवास मिले थे, लोही आवास मिले थे जलालपुर मोहम्मदाबाद में, वो उनको पूर्ण निर्माण करा दिया गया था 2015। अभी भी क्या कुछ लोग हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है? हाँ, उनकी हमने सूची दे दी है। लगभग कितने परिवार होंगे? करीब 80-85 परिवार ऐसे हैं जिनकी हमने सूची दे दी है। पेंशन वगैरह मिल रही है सभी? पेंशन वगैरह कुछ लोग मिल रही है, कुछ लोगों की बंद हो गई है, तो वो हमने उसके लिए केंद्र सरकार की जो योजना है किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो ये आपके गांव में मतलब जो जलालपुर मोहम्मदाबाद आपने बताया ग्राम पंचायत में लगता है और एक जो आपका अपना गांव है, दोनों ही गांव में मिला करके लगभग क्या सभी लोग सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है सभी को? सभी को मिल पाता है, जो जिन लोगों के वहाँ पर फार्म भर के चले गए किसान योजना का, तो उन लोगों को पैसा आ रहा है 2,000 रुपये। सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई है? सोलर लाइट पहले 15-16 में लगवाई थी। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है गांव? साफ सफाई की व्यवस्था ही है, हमारी तरफ से प्राइवेट 2 आदमी रहते हैं गांव के अंदर, 2 आदमी सरकार की तरफ से नियुक्त हैं, वो तो काम पूरी तरीके से कर नहीं पाते, मतलब इसी वजह से प्राइवेट 2 आदमी अपनी तरफ से तनखा देते हैं। मतलब जो है सरकारी कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं यहाँ पर नियुक्त हैं, वो अपना काम लापरवाही से करते हैं, मतलब करते हैं काम लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, जब पूरी तरह से नहीं हो पाता तो इसी वजह से हमने प्राइवेट 2 आदमी अपने अपनी तरफ से, जिन्हें हम 14,000 रुपये तनख्वाह देते हैं दोनों को, अपनी अपनी अपने ग्राम पंचायत से कंटिन्यू डेली सफाई करते हैं। 2 आदमी रहते हैं जलालपुर मोहम्मदाबाद में, हमारा कोई सफाई कर्मी तैनात नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर कहीं पर आप इतने मतलब 2 सफाई कर्मचारी भी हैं और 2 आदमी अपनी तरफ से भी रखे हुए हैं, इसके बाद में कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं पानी का ढेर लगा हो या गंदगी का ढेर लगा हो पानी जमा हो? मेरी ग्राम पंचायत में पानी का किसी जगह ढेर नहीं, जो वो एरिया है पीछे वो नगर पालिका टाउन एरिया लगता है जहाँ पर पानी है, जिसे लोग तुर्तीपुरा समझते हैं, लेकिन तुर्तीपुरा नगर पालिका वो कुछ हिस्सा इसका नगर पालिका में कर चुका है और काफ़ी हिस्सा बिहार में नहीं। स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत कितना काम करता? हमने सीसी टाइल्स लगवाई स्कूल के अंदर, पानी वानी की व्यवस्था करा दी, टैंक वगैरह सब लगवाए और बैंड वगैरह, मिड डे मील वगैरह की फैसिलिटी सही है? मिड डे मील वगैरह फैसिलिटी सब सही है, हम जाते हैं और अपने सामने बच्चों को खाना बनवाते हैं जाकर के, और
इतना सौंदर्यकरण कराने के बाद में, जबकि पहले ऐसा नहीं था, अब इस पंचवर्षीय में काफी स्कूलों पर ध्यान दिया गया है। इसमें पहले बीते हुए वर्षों में शिक्षा को लेकर के या बच्चों की क्वांटिटी को, रजिस्ट्रेशन संख्या जो उनकी है उसको लेकर के कोई फर्क दिखाई देता? काफी फर्क इस सरकार में काफी फर्क है इस चीज का, स्कूलों पर काफी ध्यान दिया गया सरकार की तरफ से भी, प्रधानों के लिए सख्ती की गई कि आप स्कूलों के अंदर देखभाल करें, उनके अंदर कार्य कर रहे हैं, टाइल्स लगवाएं। जैसे यहाँ पर 70 दिन का लॉकडाउन रहा है पूरी तरह से, जिसमें कि किसी का भी कामकाज नहीं चल पाया है, हर एक इंसान को काम को लेकर, खाने को लेकर सभी तरह की कई तरह की परेशानियाँ। क्या ऐसे परिवार थे जिनके आगे इस तरह का कोई संकट आया हो? परिवार ऐसे हमारे गाँव के अंदर काफी है, लेकिन सरकार ने काफी मतलब योगदान किया है, जिसमें एक एक महीने में दो राशन वितरण हुआ है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। जो परिवार ऐसे थे उनके राशन कार्ड बनवाए गए, जिनके ना बन पाए किसी कारण, किसी का आईडी प्रूफ कुछ नहीं है, तो हमने उनसे ये कह रखा था कोई आदमी गांव के अंदर भूखा ना रहे, हमारे पास इत्तला करें और हम उसकी काफी मदद की हमने अपनी तरफ। अब अपने गाँव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से आप रखना चाहेंगे? सरकार से यही है कि मतलब जो मानी जैसे सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा 12 घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं। पंचायत भवन नहीं है हमारे यहाँ, पंचायत भवन का मसला ये है, हमारा ग्राम समाज की भूमि जो है कुछ लोगों ने कब्जा रखी है जी, जिसकी वजह से वो छूट नहीं सकती। छूट नहीं सकती मतलब, या कोशिश नहीं की कभी? हमने कोशिश की, पटवारी लेखपाल से भी काम, ग्राम समाज की भूमि हमें चिन्हित करके बताई है, लेकिन अभी तक उसका कोई वो नहीं किया, क्योंकि अभी हमारा आंगनवाड़ी केंद्र है हमारा, शमशान घाट कब्रिस्तान है बने हुए, कब्रिस्तान है, शमशान घाट हमारे यहाँ पर, जलालपुर मोहम्मदाबाद में, सुरतीपुरा ग्राम पंचायत में नहीं है, माजरा जलालपुर में अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र है, दवाइयाँ मिलती हैं, डॉक्टर बैठते हैं? डॉक्टर कभी नहीं बैठे। कितने साल हो गए अस्पताल में? डॉक्टर आए हैं अस्पताल की बिल्डिंग बने हुए कितना समय हो गया? 15 साल तक। 15 साल से वो केवल बिल्डिंग बनी हुई है? केवल बिल्डिंग, वहाँ से कोई सुविधा यहाँ किसी को मिली नहीं? यहाँ नहीं मिलती, सरकारी अस्पताल वहाँ जाना पड़ता है, बड़ा संभल अस्पताल है सरकारी, इसी के अंदर जाते हैं, वहीं से लोग दवाई। तो इसी के लिए हम जानना चाह रहे हैं कि सरकार से किस तरह की मदद आप चाहते हैं अपने गांव के लिए, कोई समस्या ऐसी है जिसके लिए आप ये कहेंगे कि अगर सरकार की तरफ से सहयोग मिले, मदद मिले, तो क्या मांग रखना चाहेंगे अपने गाँव को और ज़्यादा विकसित करने के लिए? जैसे डेवलपमेंट में अगर कोई चीज़ गाँव में आपको ऐसा लग रहा है कि इस समस्या की वजह से हमारा गाँव विकास नहीं करता है, ऐसी कौन सी समस्या आपको लगती है? इस समस्या को मानने की सबसे पहली बात तो यही है कि स्वास्थ्य केंद्र जो है वो उसके अंदर डॉक्टर बैठे हैं, ताकि गांव के लोग वहां जाने से परेशान ना हो, तो यहीं अगर आप किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो जल्दी से अपना ट्रीटमेंट करा दो, सबसे पहली प्रॉब्लम रही है गरीब लोगों को, उससे राहत मिले। लेकिन इस सरकार ने फिर भी गरीब लोगों को काफ़ी राहत दी है। अब जैसे कि अनलॉक हो चुका है लेकिन बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, कंटिन्यू दिन भर दिन केसेस नए निकल रहे हैं, बीमारी दिन भर दिन बढ़ती जा रही है लगातार, लोगों से कहा जा रहा है, तो आप अपने ग्रामवासियों से कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहते हैं ग्रामवासियों से यही कह रहे हैं कि आप अपना एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 1-2 मीटर की दूरी से फासले से और अपने चेहरों पर मास्क लगाएं, यही हम लोगों से कहते हैं। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पुत्र से हमने यहाँ बातचीत की है, इस कार्यकाल के समय में जितना समय बीत चुका है 4-4.5 साल, इसमें काफी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, लगभग गांव को कीचड़ मुक्त करने की पूरी कोशिश की जा चुकी है, कुछ रास्ते अभी बाकी हैं जो आने वाले समय में उम्मीद है कि पूरे पक्के हो जाएंगे। आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, लेकिन कुछ परिवार अभी भी यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है, स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत काफी काम हुआ है, साथ ही यहाँ पर जो है गरीबों की लॉकडाउन के चलते काफी मदद की गई है, राशन वितरण को लेकर भी और भी कई तरह से यहाँ सहयोग दिया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो यहाँ कुछ समस्याएं मूलभूत और बड़ी कॉमन समस्याएं जो हर लगभग ज्यादातर ग्राम पंचायतों में हमने देखी है और ग्राम प्रधानों द्वारा मांग रखी गई है, जैसे कि 12 घर, पंचायत घर जो कि अभी तक निर्मित नहीं है, इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र जिसकी बिल्डिंग लगभग 15 साल पहले से यहाँ बनकर तैयार है, लेकिन आज तक उससे कोई भी सुविधा, कोई भी राहत गांव के किसी भी सदस्य को नहीं मिल पाई है, छोटी सी बीमारी के लिए भी यहाँ से लोगों को कई किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता है। अशोक जी के साथ जी, क्या नाम आपका? जी बिलाल अख्तर। बिलाल अख्तर, कहाँ के निवासी हो? तो यहाँ पे 4.5 वर्ष तो ज्यादा हुए ग्राम प्रधान जी कार्यकाल को,
विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, हालांकि मैं शुरुआती तौर पर प्रधान जी का समर्थक तो नहीं था जी, लेकिन आप पूरी तुर्तीपुर में जाकर के देख लीजिएगा, एक भी रोड आपको जो भट्टे वाली ईंट होती है उसका नहीं मिलेगा। हर रोड में आपको कह रहा हूँ, आप जाकर के देख लीजिएगा कि हर रोड सीमेंटेड हो रखा है, सीमेंट की ईंटें लगा रखी है और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो है इसको हैंडल किया और अपनी प्रधानी को चलाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लॉकडाउन में लोगों की समस्याएं थी उनको लेकर के काफ़ी गरीब पिछड़ी बस्ती है, थोड़ा माली हालत को देखता है, तो उन्होंने काफ़ी अपनी तरफ से इतनी हेल्प की लोगों की, यहाँ तक के कुछ विधवाओं के, जैसे विधवाएं उनकी बच्चियों की शादियों का भी मसला था और थोड़े हमारे दलित भाई हैं वो पिछड़े हैं काफ़ी, तो उनके लिए काफ़ी हेल्प की और बच्चियों की शादियां भी कराई, जो हालांकि वो गुप्त रहा, लोगों के सामने तो नहीं लाया गया इस चीज़ को, लेकिन एक सराहनीय कदम है उनका और बहुत अच्छा काम उन्होंने। आप इनके कार्यों से सहमत हो? बिल्कुल सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले 10-20 साल तक भी यही प्रधान रहे, क्योंकि हमने पिछले प्रधान देखे हैं जो कुछ नहीं कर पाए, मतलब पिछले बीते प्रधान से बेहतर, बहुत बेहतर काम किया है। जी, क्या नाम है आपका? किस पद पर है कार्यरत है विद्यालय में? वो है ये ग्राम प्रधान द्वारा है। स्कूल में क्या क्या विकास कराया गया? ये मतलब पंच कराया गया, ये दीवारों को सीसी कराई गई, बाउंड्री वाली इधर चार दीवारी, बाहर का गेट लगा, बाहर की पूरी बाउंड्री कराई, दीवार कराई पूरी, बाहर की दीवार लगाई, हाँ पूरी कर, मतलब वो तो लगा हुआ था, विद्यालय को तो टाइम देते हैं, जरूर होती है आपको लोगों को जाना। हाँ, जैसे हम बुलाते हैं तो। जी जी।